Hey everyone, my name is Rupendra and welcome to Filmcom. So recently Premiere Pro का 2020 version launch हुआ है, जिसमें कई सारे updates हुए हैं और auto reframe का एक नया effect add हुआ है। अगर आप Instagram में upload करने के लिए किसी horizontal video को किसी vertical video में convert करते हैं और उसके लिए अगर Premiere Pro का use करते हैं, तो आपको हर एक frame के लिए keyframe set करना पड़ता होगा, जो कि एक मैनुअल काम है और इसके लिए बहुत सा टाइम लगता है। ऑटो रिफ्रेम एक ऐसा इफेक्ट है जिसके थ्रू आप किसी वीडियो में किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर सकते हैं और मैनुअली की फ्रेम करने के बजाय आप ऑटोमेटिकली ही ऑब्जेक्ट को की फ्रेम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आप इस इफेक्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया और सिक्वेंस की सेटिंग्स को कुछ इस तरह रख दिया। अब इसके बाद मैंने फुटेज को टाइमलाइन पे ले लिया इसके बाद मैं गया सीक्वेंस पे और मैंने क्लिक किया ऑटो फ्रेम सीक्वेंस। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया वर्टिकल 9x16 और मैंने कर दिया क्रिएट। प्रीमियर प्रो ने ऑटोमेटिकली ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। प्रीमियर प्रो ने ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर अपना की फ्रेम डाल दिया है। हम यहाँ से की फ्रेम को एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह हम किसी भी वीडियो को ऑटो रिफ्रेम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये 1:1 रेशियो पे रहे, तो मैं फिर से जाना है सीक्वेंस पे, क्लिक करना है ऑटो रिफ्रेम सीक्वेंस पर और करना है स्क्वायर 1:1 पर क्लिक और कर देना है क्रिएट। अब हमारा जो वीडियो था वो सीक्वेंस 1:1 के लिए हो चुका है। इसे करने का एक और तरीका है, उसके लिए मैंने पहले इन दोनों प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। सीक्वेंस सेटिंग में जाके मैंने इसे कर दिया 9x16 के लिए। तो हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो अभी प्रीमियर प्रो ने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट पे, यहाँ सर्च करेंगे हम ऑटो रीफ्रेम। यहाँ हमें ऑटो रीफ्रेम का ऑप्शन मिल चुका है, इसे हम करेंगे डबल क्लिक, ये हो जाएगा हमारे वीडियो पर अप्लाई। अब फिर से प्रीमियर प्रो ने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह आप की फ्रेम के यूज़ से अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रीमियर प्रो में इसी तरह से कई सारे अपडेट्स आए हैं। अगर आप उस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।